गुड मॉर्निंग बच्चों, आज कक्षा 8 यानी बीजगणित पढ़ाने जा रहे हैं। अभ्यास 4B जो कि अभ्यास 4A पढ़ा चुके हैं, उसी के अनुसार जो है अभ्यास 4B है। उसमें ए प्लस बी का क्यूब था, इसमें जो है ए माइनस बी का। इसमें दो पद है, पहला पद और दूसरा पद है, कोष्ठ बंद है, का क्यूब बराबर हो गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3AB, कोष्ठ में ए माइनस बी है सूत्र हमारा। कहने का मतलब क्या है कि पहले का घन, पहले पद का घन ऋण दूसरे पद का घन ऋण 3 पहला पद और दूसरा, कोष्ठ में पहला पद ऋण दूसरा पद कोष्ठ बंद, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 3AB कोष्ठ में ए माइनस बी हमारा सूत्र। इसी के आधार पर हम हल करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें दो पद है, यक्स अरे 7 है का घन। हमने बताया कि इसमें दो पद होते हैं, एक पद है यक्स, दूसरा पद है 7। तो पहले पद का घन होता है यानी यक्स का घन ऋण दूसरे पद का घन है यानी 7 का घन ऋण 3 पहला पद और दूसरा पद यानी गुड़े पहला पद यक्स गुड़े दूसरा पद 7। कोष्ठ में पहला पद और दूसरा पद यक्स ऋण 7 बराबर। अब यक्स पर 3 घात होगा, इसको 3 बार गुणा करते हैं, यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, यक्स में यक्स से गुणा करते यक्स स्क्वायर बन गया, और यक्स से गुणा किया तो यक्स पर 3 घात हो गया, इसलिए यक्स पर 3 घात हो गया। दूसरा है 7 पर 3 घात है, तो यह हो गया बराबर, इसको हम लिखेंगे 7 गुड़े 7 गुड़े 7। अब इसको जो है गुणा करेंगे 7 में 7 से 7 49 हो गया, 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 को 3 हासिल आपका 6 हो गया, 7 4 28 30 4 34 343 43 हो गया माइनस, यहाँ 3 है यक्स में गुणा करते 3x हो गया, 7 में गुणा करेंगे तो 3 7 21 हो गया 21 यक्स, कोष्ठ में यक्स ऋण 7 कोष्ठ बंद। अब है यक्स का घन माइनस 343। अब देखें ऋण 21 यक्स में यक्स से गुणा कर दें, इधर कोई चिन्ह नहीं तो धन और ऋण मिलकर ऋण होगा, यह ऋण हो गया, 21 यक्स में यक्स से गुणा किया तो हो गया 21 यक्स इसका, यहाँ ऋण है यहाँ भी ऋण है, ऋण ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। अब 21 यक्स में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 × 7 = 14 यक्स, ये हमारा जो है आंसर हुआ। देखिए सूत्र के आधार पर हम हल करेंगे। कोष्ठ में
ए माइनस बी कोष्ठ बन का क्यूब बराबर है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्ठ में ए माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी कोष्ठ बन। तो इसमें हम देखेंगे पहला पद और दूसरा पद, तो ए का क्यूब है यानी ए का घन है, तो यह हो जाएगा दो का घन हो गया। माइनस है तो माइनस बी का घन है यानी दूसरे पद का घन, तो इसमें वाई है तो यह हो गया वाई का घन। माइनस इसमें थ्री है, थ्री होगा पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद और दूसरा पद है दो गुणे वाई। कोष्ठ में ए माइनस बी है यानी पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद जो है दो है माइनस दूसरा पद वाई है, तो दो माइनस वाई बराबर। इसको हम जो है तीन बार गुणा करेंगे यानी दो का घन बराबर होगा दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूनी चार दूनी आठ हो गया, तेरह आठ हो गया। माइनस वाई है का क्यूब यानी वाई पर तीन घात है, तो तीन बार गुणा करेंगे तो वाई गुणे वाई गुणे वाई, तो इसका फिर गुणा करते हैं तो y पर तीन घात होगा, इसलिए y पर तीन घात ऋण। अब इसमें गुणा कर दें तो तीन दूनी छः हो गया, y में गुणा करें तो छः वाई हो गया। कोष्ट में दो ऋण y कोष्ट में बराबर यह हो गया आठ हो गया ऋण y पर तीन घात ऋण, यहाँ पर धन है यहाँ पर ऋण, धन और ऋण के ऋण हो गया। छः में वाई से दो से गुणा करें तो छः दूनी बारह वाई हो गया। अब जो है अब इसमें गुणा करेंगे दूसरे पद में, तो छः वाई में यहाँ ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो ऋण ऋण मिलकर के धन हो गया, छः दूनी बारह हो गया, वाई में वाई से गुणा करें तो वाई स्क्वायर हो गया। अब सूत्र के अनुसार हम तीसरा हल करेंगे बराबर तीन पी का घन हो गया माइनस एक बटा चार क्यू का घन हो गया माइनस थ्री है पहला पद और दूसरा पद गुणे तीन पी गुड़े एक बटा चार की। कोष्ठ में पहला पद और दूसरा पद तीन पी माइनस एक बटा चार की कोष्ठ। अब इसको तोड़ें तीन पी का घन है, तो तीन बार गुणा करेंगे तीन पी गुणे तीन पी गुणे तीन पी, तो तीन त्रिक नौ त्रिक सत्ताईस यह हो गया, पी में पी से स्क्वायर हो गया फिर पी में कहते घन हो गया यानी पी का घन हो गया, यह हो गया सत्ताईस पी का घन माइनस। अब यह है एक बटा चार क्यूब है का घन है, तो इसको हम जो है तीन बार गुणा करें एक बटा चार क्यूब गुणे एक बटा चार क्यूब गुणे एक बटा चार क्यूब, एक में एक से गुणा किया तो एक होगा, एक में फिर एक से गुणा किया तो एक ही होगा। इसमें हम चार में चार से गुणा किया यानी चार गुड़े चार तो हो गया चार चौका सोलह हो गया, फिर सोलह में जो है हम चार से गुणा करेंगे तो सोलह चौका चौंसठ हो गया। तो यह है आपका
तो एक बटा चार चौको 16, 16 चौको 64 हो गया, क्यू का घन हो गया ऋण। अब गुणा करें, 3 3 9, 9 1 9, 9 पी बटा 4 की। कोष्ट में 3 पी ऋण 1/4 की कोष्ट बराबर, यह हो गया 27। पी का घन ऋण 1/64 की का घन, धन और ऋण मिलकर के ऋण होगा। अब इसमें हम गुणा कर दें, 9 पी में 3 से तो 9 3 27 हो गया, पी में पी किस गुणा किया तक स्क्वायर बन गया बटा 4 एक की हो गया, धन और ऋण और ऋण मिलकर के धन हो गया। 9 पी में 1 से गुणा किया यानी 1 से गुणा किया तो 9 पी हो गया बटा, अब इसमें गुणा करते हैं तो 4 चौका 16 हो गया, क्यू में किस गुणा किया तो की स्क्वायर हो गया, ये आंसर। ये चौथा है, पहला पद और दूसरा पद, पहले पद का घन बराबर हो गया 4 का घन ऋण 1/3, वाई का घन ऋण 3, पहला पद और दूसरा पद यानी गुणे 4 गुणे 1/3 वाई, कोष्ट में 4 ऋण 1/3 वाई कोष्ट बराबर, यह हो गया 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, 64 हो गया ऋण 1 में 3 बार गुणा करें तो एक ही होगा, यह 3 बार गुणा करें 3 3 9 3 27 हो गया, वाई पर 3 घात ऋण, इसमें गुणा कर दें 3 चौका 12 और 1 में गुणा करें तो 12 होगा बटा 3, वाई हो गया कोष्ट में 4 ऋण 1/3 वाई हो गया, यह हो गया 64 ऋण 1/27 वाई घन। अब यह है 12 में हम 4 से गुणा कर देंगे या इसको हम काट दें ही, चलिए 12 चौक 48 हो गया बटा 3 वाई ऋण के धन हो गया, 12 में 1 से गुणा किया तो 12 हो गया, 3 में 3 से गुणा किया 3 3 9, वाई में वाई से गुणा तो वाई स्क्वायर, यह आंसर। अब देखिए 5वां है, कोष्ट में ऋण 7x ऋण 3y कोष्ट बंद का क्यूब है, तो पहले पद का घन यानी 7x का घन ऋण दूसरे पद का घन यानी 3y का घन ऋण 3 गुणे पहला पद और दूसरा पद, तो 7x गुणे 3y हो गया, कोष्ट में पहला पद और दूसरा पद यानी 7x ऋण 3y कोष्ट बन। अब 7x यह है 7x का क्यूब है, तो यानी मतलब है कि 7 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो 7x गुणे 7x गुणे 7x, तो 7 7 49 हो गया, फिर 7 से गुणा करेंगे 7 9 63 को 3 हो गया और 7 4 28 और 6 34 343 यक्ष में यक्ष स्क्वायर हो गया, यक्ष में गुणा किया तो घन हो गया यानी यक्ष का घन, तो यह हो गया 343
यक्ष का घन हो गया। ऋण 3 3 9 3 27 वाई का घन हो गया ऋण। अब इसमें गुणा करेंगे 3 3 9 3 3 3 9 हो गया, 9 में हम 7 से गुणा करें 7 9 63 हो गया। यक्ष और वाई में गुणा करेंगे तो यक्ष वाई, यानी 3 में 7 से गुणा 3 7 21 हो गया। 21 में 3 से गुणा करके तो 3 1 3 3 2 6 यानी 63 यक्ष वाई। कोष्ठ में 7 यक्ष ऋण 3 वाई कोष्ठ बल बराबर हो गया 343 यक्ष पर 3 घात ऋण 27 वाई पर 3 घात। अब इसमें गुणा कर दें तो 7 3 21 को 1 हासिल आपका जो हो गया 7 6 42 और 2 44 यक्ष। और इसमें यक्ष है तो यक्ष स्क्वायर हो गया फिर वाई, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब इसमें गुणा कर दें 3 3 9 हो गया और 3 6 18 यक्ष वाई में वाई से गुणा करेंगे तो यक्ष वाई का स्क्वायर हो गया। ये आंसर। यानी पहले पद का घन यानी 8 का घन हो गया ऋण 3 2 वाई है तो 2 ए का घन हो गया माइनस पहला पद और दूसरा पद यानी 3 गुणे पहला पद 8 है दूसरा पद 2 ए है। कोष्ठ में पहला पद और दूसरा पद है 8 ऋण 2 ए। अब इसको हम 3 बार गुणा करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 8 का क्यूब का मतलब कि 3 बार गुणा करें तो 8 में 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 64 हो गया। फिर इसमें हम जो है 8 से गुणा करेंगे 8 चौका 32 को 2 हासिल आपका 3 हो गया 8 6 48 और 3 51 तो ये हो गया 512 ऋण 2 2 4 2 8 ए का घन हो गया ऋण 3 8 24 24 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 2 48 हो जाएगा। ए हो गया ऋण 1 कोष्ठ में 8 ऋण 2 ए कोष्ठ 1 बराबर 512 ऋण। अब 8 ए का घन हो गया ऋण। अब इसमें गुणा कर दें 8 64 को 4 हासिल आपका 6 हो गया 8 चौक को 32 हो गया 32 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38 ए। माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया फिर 2 से इसमें गुणा कर दें 2 8 16 2 चौक को 8 1 9 ए में ए से गुणा कहते हैं ए स्क्वायर हो गया। ये हमारा जो है आंसर हो गया। देखिए यहीं से जो है हम यह समाप्त करते हैं अभ्यास 4B का प्रश्न नंबर 1 का जो है ये छठ जो बताए हैं ये सूत्र के आधार पर इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अब प्रत्येक हिसाब पर जो है प्रत्येक सूत्र रहेगा और प्रत्येक सूत्र पे नीचे जो अपना हिसाब लगा करके रखिएगा। धन्यवाद।